हैं डॉक्टर पवन सोनी। आपको सहजन के बारे में कौन बताया था? मेरे अंकल हैं शिव शरण पांडे अंकल, उन्होंने बताया था। हालांकि इसके बारे में मेरे को पहले से जानकारी थी, गायत्री मंदिर में प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ मैं खुद भेजता था दूसरे लोगों को, लेकिन मेरे को जानकारी शिव शरण पांडे अंकल से हुई थी। अच्छा, और सरजम के बारे में जिन्होंने भी आपको बताया है तो अभी कैसा लगता है? अभी तो बहुत बढ़िया है। मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे, प्रॉब्लम जब मेरे को समझ में आया कि दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे को लगा कि इसके लिए आखिरी उपाय है सेराजिम। तो उसको मैं पांडे अंकल के पास गया था और उनको मैं बोला कि पांडे अंकल मैं अभी सेराजिम लेना चाहता हूँ। उनके घर में मैं 8 दिन लिया था, लेकिन ये बात समझ में आई कि जब सेराजिम थेरेपी सेंटर है ऑलरेडी, तो पांडे अंकल के पास क्यों लूँ। मैं उनको बोला कि मैं फिर सेराजिम सेंटर जाना चाहता हूँ और पिछले 9 दिसंबर 2014 से मैं सेराजिम थेरेपी सेंटर जाना शुरू किया था। अच्छा, आप सेराजिम जब गए उससे पहले आपको क्या क्या तकलीफें थी? सेराजिम थेरेपी सेंटर जाने के पहले मेरे को ढेर सारी तकलीफें थी। मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और ये जोड़ों में, उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता था, छोटी छोटी उंगलियों में, पिंडली में दर्द होता था, मानी वाक करने जाता था तो आँखें तो कमज़ोर है ही हैं। ये आँख में जो प्रॉब्लम है वो शुगर की वजह से है? नहीं, ये शुगर की वजह से नहीं, ये बचपन से है। जब मैं 5वीं पढ़ रहा था तब से मेरे को चश्मा लगा हुआ है ना, तो शुगर तो बाद में हुआ सन 2000 से। मैं तो छोटी छोटी बच्चियाँ होती जुड़वा ट्विंस, वो पैदा होते ही फिर एक्सपायर कर गई, 1.5 घंटा 1 साल घंटा, तो उसी समय शौक लगा समझो एक प्रकार का, तो उसके चलते मेरे को ये शुगर हो गया था सन 2015 से, 8 जून 2015 से, जब से कंटिन्यू बना हुआ है। लेकिन पहले क्या मेडिसिन लेता था तो मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता था, बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे 6 सितंबर को बड़े रामपुर के पास एक बस ने मेरे को टक्कर मार दिया, तो यहाँ पे चोट लग गई सर में और कोमा में चला गया। उसके बाद मेरा शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस जगह पे जैसे एक्सीडेंट हुआ था, घाव हो गया था? घाव नहीं हुआ था, अंदरूनी चोट थी, सिर के अंदर में ब्लड क्लाट हो गया है, तो उसका अभी भी इलाज चलता है। रायपुर जाता हूँ, एम्स में इलाज करा रहा हूँ। लेकिन उस समय शुगर लेवल इतना बढ़ गया था कि मेरे को इंसुलिन लेने की सलाह दी गई थी एम्स से, और मैं कंटिन्यू इंसुलिन लेता था, सुबह 35 पाइंट और शाम को 25 पाइंट। दो बार देता था खाना खाने के पहले। लेकिन जैसे जैसे सेराजिम गया मैं 9 दिसंबर से, लगभग समझ लीजिए एक्सीडेंट के 1 महीना बाद से, तो समझ में आया कि मेरी परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं दवाइयों से, तो पांडे अंकल को रिक्वेस्ट करके मैं सेराजिम ज्वाइन करने। और जैसे जैसे मैं वहाँ जाता गया, लगभग मैं तो अभी तक 9-10 महीना वहाँ जा चुका हूँ। अब तो खैर टाइम नहीं होने के कारण नहीं जा पाता, क्योंकि सेराजिम की मशीन मैंने खुद परचेस कर लिया है और घर में ही मैं सेराजिम लेता हूँ। लेकिन जैसे जैसे जाना शुरू किया वहाँ, मेरे को फ़ायदा दिखना शुरू किया। शुरू में तो कोई हीलिंग रिएक्शन नहीं आता था, लेकिन लगभग 15 दिन बाद एक दिन मेरे को अचानक चक्कर आया मशीन में, लेते लेते बैठा, जैसे ही 12वां नंबर के पॉइंट में जब बैठते हैं तो बैठा तो चक्कर आया, तो मेरे को याद आ गया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट था, तो चक्कर आता था मेरे को, ऐसा लगता था कि कोई हिंडोले ले रहा है करके। और उसके फिर दवाई नहीं दी है शुरू में, बाद में फिर जब लगा कि आवश्यक है तो दवाई दिए, तो चक्कर आता था मेरे को, तो ऐसे ही मेरे को चक्कर आया। दवाई से तो बंद हो गया था, लेकिन उस दिन एक दिन चक्कर आया, मेरे को लगा कि वो हीलिंग रिएक्शन है, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि सेराजिम में कोई भी बीमारी तभी हुई तो निकलता है, मेरे को लगा कि वो हीलिंग रिएक्शन है करके, और कुछ समय बाद दब गया। बीच बीच में मेरा शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये उसी के चलते होता होगा, होते होते धीरे धीरे बढ़ जाता है, हाँ अप डाउन होते रहता है, कंट्रोल होता है, फिर हो जाता है। हीलिंग रिएक्शन आना अच्छा है या खराब है? नहीं, जहाँ तक मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को तो ये लगता है कि हीलिंग रिएक्शन आना अच्छा है, क्योंकि होम्योपैथी में भी हम दवाई खाते हैं तो दबी हुई बीमारी को बाहर निकालते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ उसका, तो मेरे को जानकारी है उसके बारे में,
तो यदि आता है तो अच्छी बात है, किसी किसी को नहीं भी आता है ऐसे ही ठीक हो जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हीलिंग रिएक्शन आए ही, लेकिन आता है तो अच्छी बात है क्योंकि उससे दबी हुई बीमारियां जो है निकल जाती है। कोई चीज़ अंदर में दबी हुई तो बाहर निकालने में सहायता होता है, सहायक होता है। हम लोग होम्योपैथी दवाई भी देते हैं तो कोई बीमारी दबी हुई तो बढ़ जाती है, तो आदमी को लगता है कि बढ़ा दिया करके, लेकिन बढ़ जाने के बाद जो छूटता है तो परमानेंट छूटता है, पूरी तरह छूटता है। तो अभी इंसुलिन आप नहीं लेते हैं? हाँ, अभी इंसुलिन मेरा लगभग 3 महीना 4 महीना हो गया बंद है। दवाई चल रही है? हाँ, दवाई चल लेता हूँ, थेरेपी लेता हूँ। बीच में अभी बाहर चल दिए थे हम लोग सीडी बम्बई घूमने 7-8 दिन के लिए, तो उस समय दौरान मेरा ये नहीं ले पाया था सिराजियम थेरेपी सेंटर, तो फिर शुगर के लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, बढ़ना शुरू हो गया था, दवाई को ज़्यादा लेना पड़ने की जरूरत थी। डॉक्टर के पास गया था, फिर बोलता है इंसुलिन लो कर, और नहीं लूँगा, अभी मैं थेरेपी नहीं ले पाया था इसीलिए ऐसा हो रहा है, और थेरेपी फिर से लेना शुरू किया तो फिर से कंट्रोल हो गया है। कितनी बार लेते हैं थेरेपी? वैसे तो अभी फिलहाल एक ही बार ले पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम 3 बार लेने की कोशिश करता हूँ, टाइम मिलता है तो 2 बार कम से कम तो ले ही लेता हूँ सुबह शाम। जैसे कि आप खुद डॉक्टर हैं, जैसे दवाई भी देते हैं तो लोगों को बोलते हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं जो आपके पास में आते हैं उनको भी आप बोलते हैं दो टाइम 3 टाइम दवाई देते हैं, सुबह में दोपहर में शाम में, वैसे ही सेम आपका सेरेनियम की थेरेपी का है? नहीं, वो तो स्वाभाविक बात है, लंबे समय के लिए कोई भी चीज़, भाई आदमी को दिन में 2 बार 3 बार खाना होता है कि नहीं, भूख लगता है, तो जिस प्रकार से असर करने के लिए दवाई भी उसको लेनी पड़ेगी 2 बार 3 बार, तो सेराजेम भी क्या है, तो थेरेपी है, दवाई है, एक प्रकार से खाना है समझो, जिस प्रकार से आदमी खाने की ज़रूरत होती है वैसे थेरेपी लें स्वस्थ रहना है, तो उसको भी 3 बार लेने में क्या परेशानी है, सुबह दोपहर शाम आधा आधा घंटा ले लो, आधा घंटा नहीं ले पाते 15 मिनट ले लो, तो घर में रखने से यही फायदा होता है कि आदमी 2 बार 3 बार ले सकता है, क्योंकि थेरेपी जाने से एक ही बार मिलेगा, आदमी के पास टाइम रहता है नहीं रहता है उसके लिए अलग से टाइम निकालो। हाँ, लेना वहाँ आधा घंटा का थेरेपी, लेकिन टाइम तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाते हैं ना, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वहाँ पर आप ट्राई करो, देखो अच्छा लग रहा है तो मशीन लो, और स्वाभाविक है हर किसी को तत्काल अच्छा नहीं लगता, किसी को कुछ दिन लगता है, किसी को कुछ समय लग जाता है, तो आप उसके लिए ये मत सोचो कि हम लोग तत्काल ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे हर किसी को लगभग 120 दिन तो लेना ही चाहिए, 120 दिन में खून का चेंज होता है, बदलाव होता है, तो उसके बाद आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, तो 120 दिन वहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद जैसा आपको उचित लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरी सलाह ये रहेगा कि मशीन तो आप परचेस कर ही लो यदि आपके लिए जरूरी है तो, क्योंकि जहाँ तक है ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, लकवा, बवासीर जैसी छोटी छोटी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियों को तो मैं खुद फेस कर रहा हूँ और उसमें मेरे फायदा भी दिखा है, तभी तो मैंने परचेस कर लिया। तो अभी जो आपको आपके देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये बताऊंगा कि जिस प्रकार से आदमी के लिए खाना जरूरी होता है जीने के लिए, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आज के डेट में सेराजियम सबसे बढ़िया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा कि 2020 तक सारे एंटीबायोटिक ख़त्म हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो कई बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रही है और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियाँ हैं जिनका कोई इलाज नहीं है किसी के पास में, क्यों, क्योंकि आदमी का जो इम्यूनिटी पावर है वो घट जा रहा है, तो ये सेराजियम में एक ऐसी चीज़ है जिसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, रोगों की लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आदमी को दवाई की जरूरत नहीं ले पड़ेगी, आदमी कब तक दवाई खाएगा, पहले 500 mg खाता है, फिर एक 1 ग्राम का खाता है, फिर 150, फिर 200, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, है ना, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं तो आदमी को क्या करना पड़ेगा, आखिरी में वही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि उसके बजाय दवाइयों के बजाय आप सेराजियम लो, जिंदगी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो सेराजियम नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1।